नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं साइबर प्रतिभा। आज का हमारा टॉपिक है एससीपी कमांड का यूज कैसे करेंगे फाइल्स को सिक्योरली कॉपी करने के लिए। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे आप एसएच सर्वर का यूज करके डेटा को कॉपी कर सकते हो रिमोट सर्वर पर, और रिमोट सर्वर से कैसे डेटा को कॉपी कर सकते हो लोकल सर्वर पर। बेसिकली SSH का यूज आज तक आप लोगों ने सुना होगा कि हम इसका यूज जो है टर्मिनल एक्सेस करने के लिए करते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि इसका यूज डेटा ट्रांसफर के लिए भी किया जाता है। ये डेटा ट्रांसफर करने के लिए सबसे ज्यादा सिक्योर मेथड है। जितना भी डेटा ट्रांसफर होगा वो सारा इनक्रिप्टेड चैनल के द्वारा होगा, यानी कि जो डेटा आप भेज रहे हैं या जो डेटा आप रिसीव कर रहे हैं, कोई भी फाइल्स हो सकती है, फोल्डर हो सकता है, जो भी आप फोल्डर या फाइल्स भेज रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, वो एक सिक्योर चैनल के ऊपर रिसीव होगी और सेंड की जाएगी। तो आज का टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी बहुत जल्द काली लिनक्स हैकिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज स्टार्ट होने वाली है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन इसका पहुंचता रहे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि SCP कमांड का यूज, SCP कमांड है क्या। बेसिकली SCP स्टैंड फॉर हो गया सिक्योर कॉपी, यानी कि जो डेटा हमें कॉपी करना है, ट्रांसफर करना है वन मशीन टू अनदर मशीन, तो हम इसका यूज करेंगे, यानी कि सिक्योर कॉपी। ठीक है, अब सिक्योर कॉपी जो वर्क करता है वो SSH टर्मिनल यानी SSH टर्मिनल के ऊपर काम करता है। तो बेसिकली होना यह है कि जिस मशीन पे आप डेटा भेज रहे हो उस मशीन पे SSH सर्वर रन होना चाहिए, तो आप भेज सकते हो और वहां से रिसीव कर सकते हो। दूसरी चीज ये है कि आपको उसका पासवर्ड भी पता होना चाहिए, यूजर नेम और पासवर्ड। फॉर द एग्जांपल हमने यहाँ पे एक लैब सेटअप किया है, लैब सेटअप में यूज कर रहा हूं और इवंतु में SSH सर्वर को इंस्टॉल किया है। आप हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, ऊपर लिंक में दिया हुआ है कि आप कैसे SSH सर्वर को इवंतु पे इंस्टॉल करेंगे। मैंने यहाँ पर इवंतु पे SSH सर्वर को इंस्टॉल किया है। SSH सर्वर को इंस्टॉल करने के बाद इसकी स्टेटस देखते हैं, उसकी सर्विस को स्टेटस देखने के लिए हम sudo कमांड और सिस्टम CTL कमांड का यूज करेंगे। CTL ये मतलब सिस्टम कंट्रोल, और उसके बाद स्टेटस और सर्विस नेम है SSH। तो SSH सर्विस, उससे पहले हमें यहाँ पे पासवर्ड देना होगा। तो आप देखेंगे कि SSH सर्विस एक्टिव है और रनिंग है, यानी कि अब जब इस पे एक्टिव है और रनिंग है तो हम किसी भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से इस पर डेटा भेज सकते हैं और इससे डेटा रिसीव कर सकते हैं। तो अब SSH सर्वर के बाद हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हमारी IP एड्रेस क्या है। तो APP IDR कमांड यूज करेंगे, जिसमें IP एड्रेस 192.168.43.71 है, ये IP एड्रेस है। ठीक है, तो ये तो हमारा सर्वर है जो कि SSH है सर्वर है, और यहाँ पर LS कमांड का यूज करेंगे। तो LS कमांड का यूज करने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि कोई भी फाइल, तो अब हम चलते हैं अपनी दूसरी मशीन पे जो कि काली लिनक्स है। ये काली लिनक्स मशीन है, मान लो ये हैकर की मशीन है, और यहाँ पर क्या है कि कुछ फाइल्स, और सबसे पहले तो ये देखना है कि हमारी ये दूसरी लिनक्स मशीन है जिसका IP एड्रेस हमें देखना है। तो ifconfig कमांड का यूज करके उसका IP एड्रेस देखेंगे। IP एड्रेस में आप देखेंगे कि 192.168.43.205 है, यानी कि ये और इवंतु हमारे सेम नेटवर्क में है। तो इस तरह से हमारा लैब सेटअप है। लैब सेटअप में इवंतु मशीन है जिसपे SSH सर्वर रन हो रहा है, दूसरी हमारी काली लिनक्स मशीन है जिस पर की कोई सर्वर SSH सर्वर रन नहीं हो रहा है, लेकिन ये उसी नेटवर्क में है। अब बात यह आती है कि मान लो ये हैकर मशीन है और इसने कुछ डेटा यानी कि कोई फाइल बनाई हुई है जो कि मलिशियस है। फाइल मलिशियस बनाने के लिए, यानी कि फाइल बनाने के लिए हम टच कमांड का यूज करेंगे। टच कमांड का नाम हम mfile.txt दे देते हैं, ठीक है, या फिर हम इसका दे देते हैं dev फाइल, और ls करने के बाद आप देखेंगे कि mfile.dev यहां पे मैंने बना दी है। अब इस फाइल को मुझे ट्रांसफर करना है, सेंड करना है। कहां पर मुझे सेंड करना है? Ubuntu पर, जहां पर SSH सर्वर रन हो रहा है और मुझे उसका यूजर नेम और पासवर्ड पता है। कीप इन माइंड, हमें उसका यूजर नेम और पासवर्ड पता होना चाहिए, तभी हम डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसफर करने के लिए हमारे पास जो कमांड है वो SCP, जो मैंने पहले भी बताया, सिक्योर कॉपी। अब कॉपी करना है तो किसे करना है, फाइल का नाम दे देंगे, और कहां कॉपी करना है उस कंप्यूटर के यूजर नेम उसका विजय है, और जिसका
आईपी एड्रेस 190.68.43.71। ये आईपी एड्रेस किसका है? ये आईपी एड्रेस है उस मशीन का जिस पर एसएसएच सर्वर रन हो रहा है। अब वहां पर हम किसी भी जगह पर जाकर के हम वहां पर फाइल को कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी लोकेशन में, जिस लोकेशन को इस यूजर को परमिशन होगी, ठीक है। रूट यूजर तो है नहीं कि हर जगह कॉपी कर देगा। अब मान लो ये कॉपी करता है, उसका एड्रेस दे देते हैं होम, और होम पे एड्रेस दे देते हैं उसका विजय यूजर है तो उसका होम का एड्रेस दे दिया हमने, और वहां पर ये इस फाइल को कॉपी कर देगा। पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड आप दे दीजिए, किसका देना है, अपना नहीं देना है, उसका देना है जिस मशीन पे आप कॉपी कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि यहां पर 100% जो है डेटा कॉपी हो गया है, यानी ट्रांसफर हो गया। हम अपनी दूसरी मशीन पे आ गए हैं जहां पर हम ये देखेंगे कि डेटा आया है या नहीं आया है। तो आप देखेंगे mfile.dev यहां पर अवेलेबल है, जो कि पहले नहीं थी। आप यहां पे देख सकते हैं इसमें नहीं है और यहां पर आ गई है, यानी कि ये फाइल वहां से कॉपी हुई है, ठीक है। इसी तरह से हम डायरेक्टरी को भी कॉपी कर सकते हैं, पूरी डायरेक्टरी को, एक फाइल को हम कॉपी कर सकते हैं, दूसरा हम डायरेक्टरी को भी कॉपी कर सकते हैं। फिर से हम आते हैं अपनी लिनक्स मशीन पे, और लिनक्स मशीन पे आने के बाद यहाँ पर हम एक डायरेक्टरी बनाते हैं mkdir, और डायरेक्टरी बनाने के बाद हम यहाँ पर डायरेक्टरी भी उसी तरह से बना देते हैं mdir, यानी मलेशियस डायरेक्टरी। तो स्लैश का यूज नहीं करेंगे, मलेशियस डायरेक्टरी मैंने एक बनाई है जिसमें हमारा बहुत सारा मलेशियस कोड है हैकर्स का, और इसमें बहुत सारी फाइल्स हैं। इस फाइल्स के अंदर चलो हम एक और फाइल बना देते हैं, टच mdir के अंदर फाइल बना देते हैं, फाइल वन, फाइल टू और फाइल थ्री, ठीक है। ls करके mdir अंदर के देखते हैं, तो आप देखेंगे फाइल वन, ओहो, फाइल टू और फाइल थ्री, ठीक है। ls करके mdir कमांड के अंदर देखेंगे तो तीन फाइल इसके अंदर बन गई हैं। तीन फाइल बन के बाद हम पूरी डायरेक्टरी अगर कॉपी करो उस लोकेशन पे सेंड करना चाहते हैं, किसी भी लोकेशन पे हम सेंड कर सकते हैं, तो उस लोकेशन को scp कमांड के द्वारा ही सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो scp कमांड का यूज करेंगे, scp, और कमांड का यूज करने के बाद हमें यहाँ पे डायरेक्टरी नेम देना है। लेकिन डायरेक्टरी नेम देने से पहले यहाँ पर हमें ये बताना है कि ये डायरेक्टरी है, हाइपन आर रिकर्सिव का यूज करेंगे, और लोकेशन देंगे कौन सी, पुरानी पे आ जाते हैं क्योंकि लोकेशन काफी लंबी है, तो उसे देने से बढ़िया ये है कि हम यहां पर चेंजेस कर दें। यहां पे हम हाइपन आर का यूज करेंगे और mdir डायरेक्टरी का, और डायरेक्टरी का यूज करने के बाद हमें उसी लोकेशन में इस डायरेक्टरी को कॉपी कर देंगे, ठीक है। पासवर्ड पूछेगा, हर बार जितनी भी पासवर्ड पूछेगा आप उस यूजर का पासवर्ड देते जाएंगे, और इस तरह से आप देखेंगे कि ये सारी फाइल्स भी कॉपी होगी, राइट। तो अब चलते हैं अपनी Ubuntu मशीन पे, देखते हैं कि वहां पर कॉपी हुआ है या नहीं हुआ है। ये हमारी मशीन है Ubuntu जहां पर ऐसा सर्वर रन हो रहा है, और ऐसा सर्वर रन होने के बाद आप देखेंगे कि mdir डायरेक्टरी जो है और mfile.dev दोनों फाइल और डायरेक्टरी दोनों आ गई हैं। इसके अंदर ls करके mdir के अंदर देखेंगे तो तीनों की तीनों फाइल्स हैं, यानी कि पूरी डायरेक्टरी को हम सेंड कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, और जो हमारा टारगेट मशीन है उस मशीन पे ऐसा सर्वर रन होना चाहिए, ठीक है। ये और ये कॉपी पूरा सिक्योरली हो रहा है, किसी तरह से कोई अगर स्निफिंग कर रहा है या फिर किसी तरह से बीच में डेटा को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है तो वो उसको कैप्चर नहीं कर सकता है, फाइन। तो अब बात यह है कि मैंने ये बताया कि आपको डेटा वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी वन लोकेशन टू, यानी जो हमारी लोकल मशीन है उससे रिमोट मशीन पे हमने डेटा कॉपी किया। क्या हम करंट डायरेक्टरी से ही डेटा को कॉपी कर सकते हैं? नहीं, आप किसी भी लोकेशन से कर सकते हैं। मान लो हमें पासवर्ड सेंड करना है उस पे, तो /etc और etc के अंदर passwd फाइल है, इस passwd फाइल को हम वहां पर सेंड करना चाह रहे हैं, सेंड कर देंगे तो यहां पर हाइपन आर ऑप्शन हटा देंगे, ठीक है, और ऑप्शन हटाने के बाद जो भी पासवर्ड फाइल है वो वहां पे सेंड हो जाएगी। ये देखिए पासवर्ड फाइल सेंड कर दे। तो इस तरह से हम कुछ भी शेडो फाइल सेंड कर सकते हैं, passwd फाइल सेंड कर सकते हैं, यानी किसी भी लोकेशन की फाइल हम सेंड कर सकते हैं टारगेट मशीन पे।
तो अब क्वेश्चन ये है, क्या हम वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या तो ये तो थी ट्रांसफर करना यानी सेंड करना हमारे कंप्यूटर से वहां के लिए, तो क्या हम वहां से डाउनलोड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में? बिल्कुल कर सकते हो। और उसके करने के लिए आपको करना क्या है, मैं क्लियर कर देता हूं। अब आपको चेंज कर देना है, चेंज मैटर ये कर देना है कि SCP कमांड का यूज करके हमें वहां पे विजय के अंदर जो हमने फाइल रखी थी वो थी mfile.dev, ये फाइल थी, इसको डाउनलोड करना है करंट डायरेक्टरी में। ठीक है, तो करंट डायरेक्टरी वाली पहले तो हम ये रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने से क्या होगा, रिमूव mfile.dev इसको, और रिमूव -r और -r के बाद मुझे रिमूव करना है mdir। ठीक है, अब आप देखेंगे कि दोनों चीजें हमने रिमूव कर दी हैं यहां पर, ना ही हमारे पास mfile नाम की mfile.dev नाम की कोई फाइल है और ना ही mdir नाम का कोई फोल्डर है। ठीक है, तो अब मुझे ये फोल्डर और फाइल दोनों कॉपी करना है, कहां से डाउनलोड करना है और किसके द्वारा डाउनलोड करना है, SCP कमांड के द्वारा डाउनलोड करना है, कॉपी करना है। ठीक है, तो बेसिकली जो हमने जिस तरह से डाउनलोड किया था, यहां पर अपलोड किया था यानी कॉपी किया था रिमोट मशीन पे, उसी तरह से रिमोट मशीन से हम अपने लोकल मशीन में कॉपी कर लेंगे इसको। तो यहाँ पे नाम था mfile.dev, इसको डाउनलोड करना है और इसको डाउनलोड करके हमें लोकेशन देना होता है। करंट लोकेशन हमारा रूट है, तो रूट में इसको डाउनलोड कर रहा हूं मैं। डेस्टिनेशन डायरेक्टरी यानी कहाँ पे आप कॉपी करना चाहते हैं उसको, उस लोकेशन का पाथ होगा।